दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के। जैसे कि अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसका साइज़ मैं बता दूं आपको, 20x48 20x48 फुट में पूरा बना है। 20 का फ्रंट है और 48 फिट इसका पूरा ओवरऑल लंबाई है। और अगर आप इसमें कार पार्किंग करना चाहते हैं तो इस एरिया को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन प्लान बहुत ही बेहतरीन है, विद बारंदा और जिसे आप पोर्च भी बोल सकते हैं। और स्टाइलिस्ट डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया मात्र 20x48 फुट में। तो चलो पूरा मॉडल डिस्क्राइब कर लेते हैं बारी बारी से। उससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक स्मार्ट हाउस प्लान को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। स्मार्ट हाउस प्लान पर आपको लगातार अपडेटेड नए नए मॉडल्स मिलते रहते हैं, तो जब भी आप मकान क्रिएट करवाएं तो एक बार यहाँ पर ज़रूर विजिट करें, जिससे आपको एक नया डिज़ाइन मिल सके और आप उसे रिनोवेट करा कर बनवा सकें। तो जो आज का प्लान है उसे मैं पहले जूम करके आपको दिखाता हूँ, जिससे आप उसका आपका रियलिस्टिक व्यू वगैरह देख सकें। इसमें जो ग्रिल बनी हुई है उसमें दो पोर्शन में बनी हुई है, दो भागों में आपका देख सकते हैं, एक पहले मिलता है और एक आपको लास्ट में मिलता है। तो दोनों ग्रिल्स बहुत ही सिंपल हैं और यहाँ पर ये कलर कॉम्बिनेशन जो दिया गया है, ब्लू और ब्लैक वाइट, इनका कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर आपको एक साइड आपका बरंदा बंद है, क्लोज्ड है, जिसमें ये आपके राउंड कलर के कट हुए हैं और ये एक डोर सा लगा हुआ है, इसको भी मैं डिस्क्राइब करूँगा। तो पूरा ओवरऑल ये मकान बना है, इसी को डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले इसके ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं हम लोग। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, जो ओवरऑल आप देख पा रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर आपका पूरा बना हुआ है, और जिसमें आपकी स्टेयर से जहाँ से आप ऊपर जाएंगे, मैंने यहाँ पर स्लोप नहीं दिया, आप देख सकते हैं। और ये आपका एक गेट टाइप का बना हुआ है राउंड शेप में, तो आप देखते हैं जैसे आप यहाँ जाते हो तो आपको एक बड़ा सा बारंदा मिलता है। और ये आपका मेन डोर है जहाँ से एंट्री करेंगे। और इसके बाद ये आपका कार पार्किंग के लिए स्पेस है। अगर देखिए आप कार पार्किंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एरिया आपको और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो टोटल 20 फिट है, 20 फिट 10-10 फिट में बनाना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये थोड़ा सा कम बनाया है, क्योंकि यहाँ पर कार पार्किंग की आवश्यकता नहीं थी। तो वही एरिया इधर, ये आपका जो हॉल मैंने क्रिएट किया, यहाँ पर कंज्यूम हो जाता है। तो इस मेन डोर से एंट्री करते हैं आप अंदर, तो आप एक बड़े से हॉल में, मैंने यहाँ पर गेस्ट रूम आप इसे बोल लें या लिविंग रूम बोल लें, बड़ा सा एक हॉल क्रिएट किया है। बहुत सी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको पहला रूम बड़ा मिलना चाहिए, जिसमें सोफे लगा सकें, टेबल लगा सकें। तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट पर मैंने क्रिएट किया, बड़ा सा एक हॉल क्रिएट किया है। और इसके बाद इस हॉल के जस्ट बगल में ये आपका किचन एरिया है दोस्तों, क्योंकि बाद 20 फिट में पूरा मैंने हॉल, बाद में किचन लगभग मैंने ये 7 से 8 फिट का निकाल दिया, बाद बाकी पूरा हॉल है। तो ये तो मेन डोर होगा, उसके बगल में विंडो वेंटिलेशन के लिए, ये आपका किचन था तो उसके लिए एक विंडो वेंटिलेशन के लिए। हॉल पर एंट्री करते हैं तो इस डोर से आप अंदर जाएंगे, तो इस डोर से जैसे अंदर जाते हैं तो आप इस एरिया में पहुँचते हैं। ये एरिया आपका आंगन कहलाएगा और ये सबसे पीछे आपको दो बेडरूम और मिल जाते हैं, हॉल एक बड़ा सा और दो सबसे पीछे बेडरूम। ये आपका बड़ा सा लेट एंड बाथ मैंने साइड में क्रिएट कर दिया, इधर किचन। ज़्यादा चीज़ें क्रिएट नहीं की हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बनाने में फिर बहुत कंजेस्टेड हो जाता है घर। और ये आपकी स्टेयर्स हैं, इधर से चढ़ना स्टार्ट करेंगे, टर्न होकर आप ऊपर चले जाएंगे। तो 3 बेडरूम जिसमें कि एक हॉल इंक्लूड है आपका, और एक बड़ा सा किचन, लेट बाथ, आंगन, स्टेयर, और आगे आपका बेहतरीन सा बारंदा और पोर्च का डिज़ाइन आपको मिल जाता है, जो कि एक पर्याप्त घर है, सिंपल सा। और देखिए मैंने कलर कॉम्बिनेशन दिया है, आप भी दे सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। विंडो अंदर वाले बेडरूम में दे रखी है, किचन में बाहर से मैंने विंडो दिया जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई। अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर में आपका, आप देख लें, मैंने इधर से भी आपको दिखा देता हूँ, चारों तरफ से आप देख लें, बेहतरीन सा मॉडल। अब इसके बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की। फर्स्ट फ्लोर पर देखिए, जैसे आप ऊपर आए तो पहला वाला जो बारंदा था आपका, उसका बाउंड्री वॉल 3 फिट का है, और इसके पीछे जो आपका ये बाउंड्री वाले 5 फिट का दिया हुआ है आपको। मैंने यहाँ पर गेट नहीं दिया, आप सोच रहे होंगे इसमें मैं कैसे आऊँगा, तो आप यहाँ पर आपको एक कट देना पड़ेगा जिससे आप इस वाले छत पर आ सकेंगे। और ये आपको स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी, चारों तरफ आप देख पा रहे हो, पहले 3 फिट का बाउंड ग्रिल और इसके बाद 5 फिट का दिया। ये लास्ट फ्लोर का रिक्वायरमेंट है, अगर आप इसके ऊपर और बनवाते हैं तो ये सब नहीं आपको देना पड़ेगा, और आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ये जो आप देख पा रहे हो। तो ग्रिल बहुत ही सिंपल सा है, बेहतरीन सा मॉडल, गुमटी वगैरह आप देख पा रहे हो, लास्ट फ्लोर पर गुमटी को ढक दिया गया है। तो ये आपका पूरा 20x48 फिट में बेहतरीन सा मॉडल बनकर रेडी हो जाता है। तो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।